1952 में इंडिया में चीते पूरी तरह से गायब हो गए थे। इसके 70 साल बाद 2022 में नमीबिया से 8 चीते लाए गए। इसके बाद फिर 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए और इंडिया में कुल मिलाकर 20 चीते हो गए। लेकिन अभी एक महीने के अंदर ही उनमें से दो चीतों की डेथ हो गई और दो और चीतों की डेथ हो सकती है। तो अब आप इस चीज पर फोकस करो कि आखिर इंडिया में लाने के बाद चीतों की डेथ क्यों हो रही है, आइए बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आप इस लाल बटन को दबा दीजिए। तो देखो, जब किसी जानवर को इम्पोर्ट किया जाता है तो उसे कुछ टाइम तक क्वारंटीन में रखा जाता है और चीतों का शरीर भागने और शिकार करने के लिए बना होता है। लेकिन क्वारंटीन में वो ये सब नहीं कर पाते और साथ में उन्हें बिना ब्लड और बिना हड्डियों का मांस दिया जाता है, इसीलिए उन्हें स्ट्रेस होने लगता है और इसी रीजन से चीतों में किडनी और हार्ट डिसीज होने लगती है और कुछ चीतों की डेथ हो जाती है। और एक रीजन ये भी है कि हो सकता है कि जिन चीतों की डेथ हुई है वो इम्पोर्ट करने से पहले से बीमार रहे हों। बाकी चीता की मैक्स स्पीड कितनी होती है आप बताइए।